जी नसी, वेलकम बैक टू द शो है कुछ जवाब। और मैं बात करूंगी डेफिनेटली आरिफ अलवी साहब से। प्रोग्राम में देर से ज्वाइन किया, एस्टैब्लिशमेंट के रोल की जब बात की जाती है, कल मारवी मेमन ने जिस तरह से कहा कि मैं नहीं समझती, क्योंकि यही हल्के कह रहे थे और ये तासुर भी मिल रहा था कि मारवी मेमन पीटीआई ज्वाइन करेंगी, लेकिन कल उन्होंने जब नून लीग ज्वाइन की उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की जो जमात है उनमें रह के सियासत नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने नून लीग का इंतखाब किया। सदीक अल फारूक साहब, आप उस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे, अगर आप अपनी बात मुकम्मल कर लें तो फिर मैं बात करूँ आरिफ अलवी साहब से। आपने कहा कि मैग्नेटी का वो सतह कल्बी का मुजाहरा करें, आपने कहा जनाब नवाज शरीफ के बारे में, तो नादिया मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब ये कहते कि मुझसे माफी मांगो, मुस्लिम लीग नून से माफी मांगो, तो ये एक वुसअत कल्बी की बजाय तंग नजरी का मुजाहरा होता। उन्होंने तो कहा है कौम से, और कौम से माफी मांगना तो मेरा नून लीग के दफातर जलाने पे, नून लीग के टुकड़े करने पे कौम से क्यों माफी मांगे? फिर तो नून से मांगे, अगर कौम से मांगे तो फिर डिक्टेटर का साथ देने पे मांगे। मुस्लिम लीग नून को दो तिहाई अक्सरियत कौम ने दी थी, कौम के इस मैंडेट को बर्बाद किया गया, और कौम के इस मैंडेट को बर्बाद करने वाले के ना सिर्फ हाथ मजबूत किए गए बल्कि फिर उस मैंडेट का रोल भी है। Exactly. तो फिर ये अगर कौमी नुकसान है, देखिए अगर... एक लम्हा ये कौमी नुकसान है। सियासी जमातें कौमी सरमाया और कौमी अमानत होती हैं, जो अपना मुल्क के आईन के मुताबिक सियासत करे। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि आपने इन नुकसान पर चले, ये वक्त गुजर गया, आप कौम से माफी मांगे, हमसे ना मांगे, तो ये मैग्नेनिविटी है। और मैं समझता हूँ तो अच्छा, वो चौधरी बरादरान, और भी सुन लें, अच्छा, मैं कार्ड पर बात रखना चाहता हूँ। हाँ। चंद चंद सेकंड, चौधरी बरादरान को जब नेगोशिएशन हो रही थी और जब एनआरओ की बात हो रही थी, तो उस वक्त भी वो मुखालफत कर रहे थे कि नहीं नहीं, ये जो हमारे बाप के कातिल हैं, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। आज वो बैठे हुए उनके साथ। अच्छा, एक सेकंड मैं करूंगा कि हमने उनके लिए रास्ता खोल दिया है। आपने कहा कि आपको भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत की पेशकश हुई थी, कितनी पुरानी बात है, किसने की थी? ये बड़ी नई बातें हैं, मेरे साथ तो प्रोग्रामों में बैठ के इनके अच्छे से लीडरों ने कहा है कि आप ईमानदार आदमी, आप तहरीक इंसाफ में आ जाए, और ये लाइव प्रोग्रामों में नाम बताए ना किसी एक लीडर का, गिने चुने लीडर्स है, एक का नाम बताए। नाम मेरे ख्याल में इनके जनरल सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट, इस वक्त मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा। जनरल सेक्रेटरी तो हमारे साथ बैठे हुए, नहीं नहीं वाइस प्रेसिडेंट, इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जरा नाम ले। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो शाह महमूद कुरैशी हैं, वो अभी बने, हामिद खान साहब हैं। अच्छा, मैं आपको नाम बता दूंगा, जी नाम बता दूंगा, ये तो लाइव प्रोग्राम में रिकॉर्ड की बात है, ये तो कोई झूठ की बात नहीं है। अच्छा जी, अच्छा आरिफ अलवी साहब बताएगा, एक तो ये बात कि क्या वाकई मारवी मेमन ने डिक्टेटर का साथ दिया, तो उन पर ये रूल नहीं अप्लाई होता अगर ये कहा जा रहा है कि डिक्टेटर को मजबूत करने के लिए कौम से माफ़ी मांगी जाए, तो ये बात मारवी मेमन को पे क्यों नहीं पूरी आती, उस पर लागू क्यों नहीं होती? प्लस जो एस्टैब्लिशमेंट की, देखिए मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि मारवी मेमन से जब हमारी बातचीत चल रही थी, तो जिस खातून के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, आज उसने अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो मुझे जेब नहीं देता कि मैं अभी उसको क्रिटिसाइज़ करूँ। अगर उनका कोई काम अब होगा तो उसके बाद पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको क्रिटिसाइज़ कर सकती है। जो पार्टी की जॉइनिंग के एतबार से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने सुन लिया, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने सुन लिया, मगर मैं समझता हूँ कि मुनासिब ये है कि कोई क्रिटिसिज्म बनता नहीं है, बिकॉज शी वॉज एक्सेप्टेबल टू अस टू अट सर्टन लेवल, जिम्मेदारी के एतबार से नहीं था। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट, अब उस पर आ जाइए, अब उस पर यही मैंने कहा ना कि जब तक वो बात थी वो डिफरेंट थी, अब वो कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट की पार्टीज के साथ रहकर सियासत नहीं की जा सकती। तो उन्होंने जितना वक्त गुजारा, उनके वालिद साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी बने, है ना, उनके वालिद साहब को हमने कहा था कि आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ उनकी बातचीत होती रही, फिर वो एस्टैब्लिशमेंट में चले गए जब उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया। मारवी मेमन साहिबा ने भी एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया, और वो फिर आकर ये कहें कि जी एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए, तो एस्टैब्लिशमेंट वो रह चुकी हैं। मुमकिन है, मैं उनको लाइसेंस देता हूँ, मुमकिन है कि उनको एहसास ये हुआ हो अब कि एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए, बहुत अच्छा एहसास है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की पार्टीज़ ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। जो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर हुकूमत में आते हैं या किसी व्हील डील के बुनियाद पर आते हैं तो नुकसान पहुंचा है। एस्टैब्लिशमेंट का काम है एस्टैब्लिशमेंट चलाना, जमहूरी पार्टी का ख्याल है। ज्वाइन करते करते जो यू टर्न लिया, नून लीग ज्वाइन कर लिया, जवाब ये दिया कि एस्टैब्लिशमेंट की पार्टीज के साथ रह के सियासत नहीं हो सकती, तो आपको कहीं नहीं लगता कि वो पीटीआई को के लिए ये बात कह रही है? अगर पीटीआई के लिए कह रही है तो मेरा ख्याल इल्जाम तराशी कर रही है, क्योंकि मुझे तो खुद नहीं मालूम। मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ, अगर लोग किसी बुनियाद पर कह रहे हैं कि जी पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, तो मैं तो आपके सामने ये कह रहा हूँ कि बेबुनियाद है, ये वो बताएंगे।
नहीं, आप लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले तो नहीं करते थे। मेरा ख्याल ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर पार्टी कोई पॉपुलर हो रही है तो जरूर किसी चीज का हाथ होगा इसके बाद। मुल्क की हिस्ट्री यही है, मगर आप ये देखिए कि अगर कोई कैफियत अवाम के एतबार से अक्कासी करेगी तो इलेक्शंस करेंगे, इलेक्शन में पता चल जाएगा। मगर लोग ये भी कहते हैं कि जी इलेक्शन में अगर कोई पार्टी जीतेगी तो भी एस्टेब्लिशमेंट का उसके पीछे हाथ है। मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होना ना कोई फख्र की बात है बल्कि पार्टी के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि अभी जब मैं तारिक अजीम साहब से बात करी थी, मैं उनसे दोबारा बात करती हूँ, तारिक अजीम साहब आप ये कह रहे थे कि मुल्क में शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जिसको जिसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो, और शायद पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बाद पार्टीज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती हैं। और तो आप फिर क्या कहेंगे, ये पीटीआई भी उन्हीं पार्टीज में शामिल है? जी मैं आपसे ये बात कर रहा था कि हमारे यहाँ किसी ना किसी वक्त पे लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ या कम से कम एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए उन्होंने हिस्सा लिया है सियासत में, जिसमें मैंने शुरू दिन से बात कही, भुट्टो साहब की बात की, उसके बाद आज भी मैं बात कर रहा हूँ कि आज भी पीपल पार्टी वाले जो आए हैं ये जनरल मुशर्रफ के साथ बातचीत करके, उनके साथ निगोशिएट करके एनआरओ के ज़रिए मुल्क में वापस आए और हुकूमत बनाई। ये भी एनआरओ ज़दा हुकूमत है, लेकिन ये कह देना ये तो अभी माजी की बात है। जैसे मैंने कहा कि माजी में ज़िंदा नहीं रह सकते, हमें माजी से सीख के आगे मुस्तकबिल की तरफ चलना है। मारवी मेमन साहबा ने मेरे यहाँ हमारे मेरी रेजिडेंस पे 3-4 दफ़ा हमारी जो मीटिंग्स हुई उसमें उन्होंने उस वक्त भी इरादा जाहिर किया था कि वो शायद मुस्लिम लीग नवाज में जाएंगी। लेकिन दूसरी बात है कि उन्होंने शायद साइमल्टेनियसली तो इनके साथ भी पीटीआई के साथ भी बातचीत अपनी जारी रखी। ये मुझे ज़रूर अलबत्त बात है कि हैरानगी ज़रूर हुई कि ये तब्दीली ज़रूर है कि पार्टी ज्वाइन करने से पहले अगर कोई ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन राइटिंग होता है तो ये पाकिस्तान की सियासत में मेरा ख्याल है तब्दीली जरूर है। ये मेरा पॉइंट, हमारा तरीकेकार ही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अगर किसी जॉब के लिए भी जाती हूँ, अपॉइंटमेंट के लिए जाती हूँ, तो क्या मैं अपना ड्राफ्ट बना के ले जाऊंगी कि जी ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप मुझे जॉब पे रख लें? आरिफ अलवी साहब वो बनाकर लाई थी, वो तो कबूल लिया ना उन्होंने, तो पहले वो इनकार कर रही थी कि नहीं बना कर लाई। कैसे वो बनाकर ले आई और खान साहब ने साइन क्यों कर दिए? फिर पहले सीसी में फॉरवर्ड कर दिए? नहीं, पहले सीसी में नहीं फॉरवर्ड किया। खान साहब ने कहा इस बुनियाद पर जो वर्बल डायलॉग हुआ था वो ये कि इसको सीसी में रखेंगे। अब इस डायलॉग से आपको क्या इंकारी है? यानी ये वर्बल डायलॉग ये हुआ कि इसको सीसी में रखेंगे, अच्छा लिहाजा उस पर साइन हुआ। वो वर्बल डायलॉग हुआ, हाँ? और जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो सब रिटन थी, इन राइटिंग थी? नहीं, इन राइटिंग एक प्रपोजल था। देखिए इन राइटिंग एक प्रपोजल था, देखिए इन राइटिंग एंड प्रपोजल था, और उस प्रपोजल के एतबार से उस पर साइन हुआ। अच्छा दो लोग जब आपस में नहीं चल सकते तो इसमें मजायका क्या? यानी आप समझती हैं कि जरूरी साथ चलना था? मैं समझता हूं कि मारवी मेमन साहिबा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एतबार से उनकी सोच बेहतर नजर आई, मगर ये चैप्टर क्लोज हो सकता है। क्योंकि मारवी मेमन ने कहा कि छोटी सी मुदाखलत करूं, हां एक सेकंड, मारवी मेमन ने कहा कि मैं ये ड्राफ्ट सामने लाना भी नहीं चाहती थी मीडिया के, क्यों? लेकिन अब पीटीआई की जानिब से मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, इसकी वजह से मैं मजबूर हूं कि ये ड्राफ्ट लेकर आऊं। देखिए मैंने इसका मैं जवाब लेती हूं, इसका मैं जवाब लेती हूं, सिद्दीक अल फारूक साहब से बात कर लूं, वो कोई बात कर रहे थे। मैं सिर्फ ये करूंगा जी कि अलवी साहब अच्छी बात कह रहे हैं कि अगर उनके मामलात नहीं तय हुए तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया। दूसरी बात आपने फरमाई है कि मैं अगर नौकरी लेने जाऊं, यहां बात नौकरी की नहीं है, यहां बात यह है कि एक पार्टी की क्यादत दावत दे रही है कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें, उस बंदे की अलिफ बे जीम की अहमियत है, वो अपनी शरायत पर अगर ज्वाइन करना चाहे और शरायत लिखकर रखे तो ये बिल्कुल ठीक है। जो अच्छे लोग हैं पार्ट वैसे भी, जिनको अगर बहुत अच्छा एंकर है, बहुत अच्छा को प्रोड्यूसर है, तो वो अपनी शरायत पर दूसरी जगह जाता है, ये ऐसी कोई बात नहीं। सिद्दीक अल फारूक साहब कितना 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 मिठास आ गई है आज आपके लहजे में, और अगर यही सूरत हाल उस वक्त होती कि मारवी मेमन साहब पीटीआई ज्वाइन कर लेती तो फिर क्या होता? मैं तो कितनी मीठी मीठी बातें करता हूँ। सही है, इसीलिए आपको तरीके इंसाफ से ऑफर हुई है। मुमकिन है इसी वजह से हुई है ऑफर। जी जी नहीं, आप मुझसे सवाल करने वाली थी, मैंने आपसे ये कहा था कि कैरेक्टर असैसिनेशन। मारवी मेमन कहती है कि मैं मजबूरन ये ड्राफ्ट मीडिया पे लेकर आई क्योंकि पीटीआई की जानिब से मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई। मैं वाकिफ नहीं हूँ, अगर कोई कैरेक्टर आप वाकिफ हैं कि कैरेक्टर नहीं, आप मैं भी वाकिफ नहीं हूँ, तो लिहाजा अगर कैरेक्टर असैसिनेशन की बात आएगी ना तो फिर लोग घटिया हमले करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। मैं
बात का कायल नहीं। घटिया हमले तो आपकी वेबसाइट के लिए में ही काफी है, मतलब मेरा ख्याल है जो मेरी वेबसाइट से कोई घटिया मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर कोई घटिया हमला आपको, मैं पीटीआई की बात कर रही हूं, पीटीआई की वेबसाइट पर मैं चैलेंज करता हूँ आपको, क्योंकि आपने बात टेलीविजन पर कही है और आप बायस नहीं करी। मैंने खान साहब का इंटरव्यू किया था, मैंने खान साहब का इंटरव्यू किया था, उस खान साहब की वीडियो पे आप चले जाइए और उसके नीचे आप कमेंट्स देखिए, वो पीटीआई उसके होते हैं जो कि उस वेबसाइट का मेंबर होता है। नादिया आप अगर इंटरनेट से वाकिफ हैं और वेबसाइट से वाकिफ़ हैं तो पीटीआई की एक वेबसाइट है, उस पर आपके खिलाफ कमेंट्स नहीं होंगे। अगर यूट्यूब की आप वेबसाइट पर जाएंगे उस पर दुनिया कमेंट करती है, आपको मालूम है कि इंटरनेट और वेब कैसे चलता है। लिहाजा आप हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाइए कि हमारे वेबसाइट पर कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, बिल्कुल गलत कहा आपने। अगर आप जाकर आप देखिए, मैंने तो अपने लिए कमेंट्स पढ़े इसलिए मुझे पता है। आपने यूट्यूब पर पढ़े? नहीं, मैंने पीटीआई की वेबसाइट पर। मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि पीटीआई की वेबसाइट पर कभी कैरेक्टर असैसिनेशन हो नहीं सकता। अब आप प्रूफ कीजिएगा इस बात को, क्योंकि जब आप कहें ना तो प्रूफ कीजिएगा। अब आपके पास ये ओनस है कि पीटीआई की वेबसाइट पर आपके ऊपर कैरेक्टर मुझे तरीके से आपकी मेंबरशिप मिल जाएगी। नहीं, आप गलत बात नहीं कहना, अगर, तो अगर ऐसी करोड़ों के सामने ये बात नहीं कहें तो फिर मैं ड्राफ्ट बना के अपना खुद ही ले आऊं। नहीं, आप रिसर्च कीजिएगा बिल्कुल बात पर, वरना माजरत वरना माजरत कीजिएगा कि गलत बात कही कि आप पीटीआई की वेबसाइट पर नहीं हुआ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पीटीआई की वेबसाइट पर कभी कैरेक्टर ड्राफ्ट बना के ले आऊंगी, ड्राफ्ट निकासी का या ज्वाइन करने का, ऑफ कोर्स आने का अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जी मैं आखिरी बात करूंगी, बिल्कुल लास्ट हमारे पास सेकंड्स हैं तारिक अजीम साहब से। तारिक अजीम साहब, अब मुझे बताइएगा कि आखिर ये इसका हल क्या है, ये माफ़ीनामों की सियासत, सब कुछ भूल जाए आगे बढ़े, कोई रास्ता है? मुझे मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि कोई रास्ता है आगे बढ़ने का? बिल्कुल रास्ता है जी, कि अगर हम जैसे मैंने अर्ज़ किया माजी से सीखें और आगे वादा करें कौम से कि जी हम कौम के लिए काम करेंगे, कुर्सी के लिए काम नहीं करेंगे। अभी तक जो सियासत होती है सारी की सारी इस वजह से होती है कि जी हम किसी तरीके से आयदर कुर्सी के साथ चिमटे रहें या हमें इक्तदार मिल जाए। अगर अवाम के लिए आप काम करना चाहते हैं तो आप अवाम इक्तदार में रह के भी और इक्तदार से बाहर भी रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, मुल्क को कौम के वसी तर मफाद में हमारे सियासतदानों का एक जुमला। बहुत शुक्रिया तारिक अजीम साहब हमें ज्वाइन करने का, सिद्दीक अल फारूक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उसूलों का सियासत करते हैं और करते रहेंगे, ये कहना है मियां नवाज शरीफ का, और साथ में कहते हैं कि मुशर्रफ का साथ देने वालों के लिए नून लीग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, ये वो कहते थे। तो मियां साहब, अब ये पॉलिसी यू टर्न कैसा है, कोई जवाब? इसी के साथ दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।